मेरा एक कहना है कि ढांचा होना चाहिए, जहाँ में आप लोग मर्ज कर सकते हैं आप लोग मर्ज कीजिए, जहाँ में मर्जर नहीं हो सकता है वहाँ में अलायंस कीजिए। हम लोग 70 ईयर से गन्ना मुक्ति परिषद ने CPM के संग एक अंडरस्टैंडिंग किया है, TUGS ने कांग्रेस के साथ किया, INPT ने किया, IPFT BJP के साथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नेशनल पार्टी के संग अलायंस कर सकते हो तो हम लोग अपनी तिपरासा आंचलिक पार्टी एक संग अलायंस क्यों नहीं कर सकते पहले, और उसके बाद देखिए नेशनल पार्टी के बारे क्या करना चाहिए। पहले हम लोग को एक दूसरे के संग बात करके अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, क्योंकि थानचा का रियल मतलब यही होता है कि कहीं में आप मर्ज हो सकते तो वेरी गुड, अगर नहीं हो सकते तो अलायंस तो कीजिए, ये मेरा मैसेज है। ADC का इलेक्शन सामने है, ADC के इलेक्शन में कुल जो रीजनल पार्टी है त्रिपुरा में जो मिला के ADC में लड़ा जाए या अलग अलग से लड़ा जाए, इसके लिए क्या? मेरा दिल तो चाहता है कि सब एक संग होकर एक ही प्लेटफॉर्म में होकर लड़े एक साथ, अगर ये संभावित होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं होगा तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं तो अब कोई पॉलिटिकल पार्टी में हूँ नहीं, मैं INPT में भी नहीं हूँ, मैं IPFT में भी नहीं हूँ, मेरा खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन है त्रिपुरा जो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन तभी भी ऐसा मुबागरा मैं अनुरोध कर सकता हूँ सब रीजनल पार्टी को, पहले आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए उसके बाद आप नेशनल पार्टी का ऑप्शन देखिए, पहले अपना ये आंचलिक पार्टी अगर एक ही होकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में होकर फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अनुरोध है। मेरे सामने यहाँ मैं चीनी खोरांग और कॉक त्रिपुरा का माइक्रोफोन लगा हुआ है, मैं आप लोग दोनों को भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग झगड़िए मत और एक संग होके आइए, और इसको भी रिकॉर्डिंग कीजिए, डिलीट मत कीजिए। नहीं, मेरा कहना है भूभाग्रह ठीक बोला ना, क्या रोल रहेगा? ठीक है, मेरा रोल है कि थानचा लाने के लिए, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, और हौदा हो, हम लोग का ओकरा हो, चक्रा हो, राय हो, चौधरी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम अपने त्रिपुरा दोफा में, अपना त्रिपुरा नेशन में हम एकता चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। इसके लिए मैं कुछ भी जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, अगर हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि 70 साल से हम लोग को गुलाम बनाकर इंडिया में रखा गया, और क्योंकि हमारा एकता नहीं है, अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हम लोग हिंदुस्तान में ही सम्मान से जी सकते हैं। मैंने आज अपने स्पीच में ये कहा कि हम लोग सत्ता लेने से पहले ही, कुछ होने से पहले ही एक दूसरे से लड़ते हैं, पहले कुछ मिल जाओ उसके बाद देखो, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि डिवाइड एंड रूल हो रहा है, और डिवाइड एंड रूल करने वाला कोई बाहर से, तो आप ये बाहर के आदमी लोग से ना मिलकर पहले एक दूसरे से बात कीजिए, वही अच्छा रहेगा। थैंक यू। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अगरतला नहीं गई तांगशाम क्रीड़ा में बगई कहम कौतुमा DPMI अगरतला सेंटर माध्यमिक कुचुक माध्यमिक जत तांगशाम क्रीड़ सिक्ला सिकली रोनी बगई मौसुमी तंगे फायदी एडमिशन अं फायदी पैरामेडिकल सेंटर आरो तंग नखा ताल दोक नि सिमे चेंगे बिशा बिशिक नै जरा दाल बिदाल सर्टिफिकेट कोर्स ते डिप्लोमा कोर्स नि सेपसा आरो श्रृंगी हास्ते ति फादर हास्ते ओ सामों क्लाइनानी सेप काहम मानि मानाय DPMI अगरतला सेंटर ओ काइब्रे कोर्स नि बागै जॉइन क्लाय जाकनाय ओ काइब्री कोर्स रंखा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट DPMI अगरतला सेंटर कैंडियो हापांग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आबुन लगितंगो स्किल इंडिया बाई गोशिमोंग मानजाक आबुन लगितंगो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया हास्टियो ताबुंग न पुइला माध्यमिक कुचुक माध्यमिक आबुन करिबतंगो तांगसम क्रियोनि बगी पैरामेडिकल सेक्टर एडमिशन अंगनानि बगी जिंगबाई क्रिंगदि निकुमा DPMI साउथ वेस्ट त्रिपुरा
असम अगरतला रोड खयरपुर विजय संघ क्लाब गानाव अगरतला वेस्ट त्रिपुरा DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार थैंक यू DPMI